कसरावल ब्लॉक में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मियों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं। कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पोषक पुनर्वास केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खामखेड़ा, मुल्तान, बलकवाड़ा के साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र पीपलगोन में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से सफाई कर्मियों की नियुक्ति अगस्त माह में की गई थी। अक्टूबर से दिसंबर तक का 3 माह का मानदेय अब तक नहीं मिला है। सफाई कर्मियों ने कसरावत BMO डॉक्टर राकेश पाटीदार को CMHO खरगोन के नाम ज्ञापन दिया है। सफाई कर्मियों ने बताया कि पूर्व में रोगी कल्याण समिति के माध्यम से हम कार्यरत थे, जब भुगतान संस्था के माध्यम से 8,500 रुपये प्रति माह था, लेकिन आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से अब सफाई कर्मियों को 5,000 दिए जा रहे हैं, जो कलेक्ट्रेट के अनुसार अकुशल श्रमिक मानदेय से भी कम है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया अभी? सर, हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम करते हुए तनख्वाह नहीं मिल रही है 3 महीने की, और ये 4th महीना लग गया है, और यहाँ पे कोई हम किसी से पैसा उधार मांगते वो भी नहीं देते हैं। इसके कारण हमें हमारी जो सैलरी हमें मिले महीने से, और पहले 8,500 रुपये मिलते थे, अब हमें 5,000 रुपये दे रहे हैं। ठेकेदार के इसमें काम कर रहे हैं आप? जी सर। ठेकेदार कहाँ का है ये? ये हमें नहीं पता सरकार का। ठेकेदार के तो अभी हमने सूरत भी नहीं देखी है अभी कोई। हमारा घर बार तो इसी से ही चलता है, और हमारे तो समय पे पैसा नहीं मिलेंगे तो हम बच्चों का पाल पोषण कैसे करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन मुबारक है। जो अभी ज्ञापन दिया है सीवरों ने, किस संबंध में दिया है? इन्हें सफाई कर्मी हमारे ठेके पद्धति पे रखे गए हैं। इन्होंने बताया कि इन्हें 2-3 महीने से अभी जो इन्हें ठेकेदार ने तनख्वाह नहीं दी है, तो उनका जो देने का आवश्यकता है उसका भरपाई वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे तनख्वाह समय से जल्दी मिले, पुरानी तनख्वाह भी और आगे भी मिलती रहे, इसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो इस पर अभी कुछ कार्रवाई? ठेकेदार खरगोन जिले में एक ही है, तो उसको हम इसके लिए सूचना दे देंगे। उनसे हमने फ़ोन पे चर्चा भी की थी दूरभाष पे, तो उन्होंने कहा था जल्द से जल्द डाल देंगे, लेकिन इनके द्वारा बताया गया कि अभी तक नहीं डली है। उन्होंने दोबारा हमारे अधिकारी को भी और उनके जो ठेकेदार हैं उन्हें भी सूचना करके जल्द से जल्द इनको तनख्वाह दिलवाने की हमारी कोशिश रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।